नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चावल के आटे का चीला। देखिए कितना मस्त सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है ये, और फटाफट बन जाएगा। कई बार चावल के आटे के चीले जब हम बनाते हैं तो टूट जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके चावल का आटे का चीला टूटेगा कभी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक पॉट ले लीजिए, उसमें एक कटोरी चावल का आटा डाल दीजिए। अब इसमें डालिए हरी धनिया बारीक कटी हुई आधा कटोरी, आधी कटोरी लगभग बारीक कटी प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, आप चाहें तो टमाटर स्किप करके आमचूर डाल सकते हैं, और डालिए तिल एक चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर, और डालिए नमक स्वादानुसार और पानी डाल दीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जाएंगे ताकि कंसिस्टेंसी सही आए बाद में। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्ची डाल दीजिए और फिर से सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अलग से एक कटोरी में 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच दही ले लीजिए। 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच दही को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करके फेंट लीजिए और उसको इस मटेरियल में मिला दीजिए जो हमने चावल के आटे के चीले का मटेरियल बनाया है, उसमें मिक्स कर दीजिए और लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको ढक के रख दीजिए। यही वो चीज़ है जो चीले को टूटने नहीं देगी। अब हमने पैन में ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसमें लगभग 2 बड़े चम्मच ये मटेरियल डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्का फैला दीजिए और धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए। धीमी आंच पर धीरे धीरे पकता रहेगा, ऊपर से जब आपको लगे कि ये ड्राई हो चुका है तब इसको पलट दीजिए। ये ज़्यादा ड्राई थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ऑयल हमने नहीं लगाया है। अब इस तरफ थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लीजिए, बहुत कम ऑयल और घी में ये तैयार हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। लीजिए तैयार है हमारा एक चीला। अब दूसरा चीला हम आपको बना के दिखाते हैं। इसी तरह हमने 2 चम्मच यहाँ पे मटेरियल डाल दिया है, यहाँ पे हमने ऑयल बिल्कुल नहीं पैन में डाला था। अब ऑयल यहाँ से साइड से डाल दीजिए और घुमा लीजिए ताकि सब तरफ से ऑयल लग जाए। हमने नॉनस्टिक में बनाया है इसलिए ऑयल बहुत कम लग रहा है। अगर आप किसी और तवे पर बना रहे हैं जो नॉनस्टिक नहीं है तो थोड़ा ऑयल उसमें लग जाएगा। अब धीमी आंच पर फिर से इसको पका लीजिए और दूसरी तरफ आप इसको थोड़ा तेज आंच पर पका सकते हैं। पलटते जाइए, जब चीला पक जाए तो बहुत ही चीला टेस्टी लगेगा। आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय दूध के साथ इसको खा सकते हैं, और ये तो वैसे भी बिना किसी चीज़ के साथ खाए हुए सिंपल इसी तरह से खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप शाम को बच्चों को दे सकते हैं ये नाश्ता बना के, या ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। कभी भी भूख लगे ये फटाफट बन जाएगा और घर की चीज़ों से आसानी से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन आप इस तरह से सिंपल बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। लीजिए हमारा दूसरा चीला तैयार है, आप इंजॉय कीजिए इस चीले को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कौन कौन सी रेसिपी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।